Come on. Kritika, focus karo, focus. Dad, try to kar rahi hu. Kritika, ball ko control karo, dusre ko chance mat do. Haan? Chalo start karte hain. Come. इतनी जल्दी थक गई? कोई थकावट नहीं, गेम को लास्ट तक खेलो. हाँ चलो कम ऑन स्टार्ट. कम. गुड. ये डैड, यस डैड. हाँ कितना लेट हो गया. सो मॉम डांटेगी और निखिल भी. कृतिका दिस इज रॉन्ग. कितनी बार कहा है कि निखिल को डैड बोला करो. हाँ नहीं डैड, मेरे डैड से वापी हो. निखिल स्टेप फादर से बेटर ही साउंड करता है. डैड मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो गया है. बाय. घर पहुंचते ही फोन करना. ओके बाय. ओके बाय बाय, टेक केयर. माय चैंप. मम्मा कुछ खाने को है? कुछ भी. ये क्या बात है, तुम रोज लेट आने लगी हो. मम्मा प्लीज, बहुत भूख लगी है. अब ना तो ये डिनर टाइम है ना लंच टाइम. फ्रिज में ब्रेड बटर होगा, जाके खा ले. ये लड़की भी ना, अब जब तक कुछ खा नहीं लेगी तब तक तो बात भी करना बेकार है. हाँ जी शर्मा जी. हाँ नहीं, वो पेपर्स तो मैंने भेज दिए थे, अभी मेल करती हूँ. ओके ठीक है. आप? कृतिका, सैंडविच काटने का एक तरीका होता है. खाने का मजा उसकी प्रेजेंटेशन से ही आता है. थैंक यू सो मच, मैं कर लूंगी. नहीं नहीं नहीं, देखो कितनी नीटली काटना पड़ता है. सो हियर्स योर सैंडविच. कृतिका दरवाजा खोलो. कृतिका कितना सोगी? दरवाजा खोलो. कृतिका दरवाजा खोलो. अरे ये आजकल तुम दरवाजा बंद करके क्यों सोने लगी हो? मॉर्निंग में कितनी प्रॉब्लम होती है, कुछ सामान रखना हो, उठाना हो, और आजकल पता नहीं न जाने किस किस से बातें करती रहती हो रात भर. मम्मा आपको पता है कल निखिल पौधे में पानी डाल रहे थे और उन्होंने शर्ट भी नहीं पहनी थी.
बिग डील। अरे घर में तो इंसान कंफर्टेबल ही रहता है ना, और आजकल गर्मी कितनी है, उतार दी होगी शर्ट, क्या फर्क पड़ता है? बहुत अजीब लगता है। देखो बेटा, निखिल तुम्हारे स्टेप फादर है, तुम्हारे रियल फादर नहीं है, पर तुमने नोटिस किया है वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं तुम्हें। देखो बेटा, नाउ निखिल, तुम और मैं, हम एक फैमिली है, एंड आई रिक्वेस्ट तुम प्लीज निखिल को समझने की कोशिश करो। चलो, बहुत सारे काम है। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते, उन्हें बचकानी बात समझकर टाल देते हैं। पेरेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो बच्चों की परेशानियों को समझें। बहुत बार बच्चे अपनी बात कहने में झिझकते हैं, डरते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव चोपड़ा, और सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। 16-17 साल की उम्र जीवन का एक बहुत ही नाजुक दौर होता है। इस उम्र के बच्चों के साथ हमें एक दोस्त की तरह बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ कहना चाह रहा हो पर कह ना पा रहा हो, या फिर किसी बात से असुविधा महसूस कर रहा हो, या वो किसी उलझन में हो। अगर ऐसा है तो माता पिता को तुरंत सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो। ध्यान रहे, ऐसे में बच्चे को समझना, उससे बात करना बहुत जरूरी है, वरना शोषण करने वाला आपकी और आपके बच्चे की चुप्पी का नाजायज फायदा उठाता रहेगा। क्या हुआ, चिल ना, यू नो ना, ये जनरेशन गैप तो बना ही रहता है, और हमारे पेरेंट्स हमें कभी नहीं समझने वाले। सो कूल। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मम्मा समझना ही नहीं चाहती है। इमेजिन, वो बोलती है कि मैं निखिल को डैड बोलूं। व्हाट? निखिल को? तो बोल देना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यार राइट, मैं उसे डैड कभी नहीं बुलाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। और मेरे से एक ही डैड है, वो बहुत सुपर कूल है, और वो निखिल कितना वियर्ड है और कितना अजीब है। उत्तरी, मैंने तुझे एक बात बताई, उसी कपिल के साथ, कितना इरिटेटिंग बंदा है वो, देख लेना एक दिन वो इतना मार खाएगा ना ऋषभ से, तब पता चलेगा उसे। ट्रू, ऋषभ उसे बहुत पीटेगा। और इससे चिरप कौन कर रही होगी? सर्वी। या मेघना। प्रणा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, मुझे तुम्हारे बास्केटबॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट्स हाई टाइम तुम प्लीज कृतिका को थोड़ा स्पेस दो। देखो, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो निखिल को अपना फादर एक्सेप्ट कर ले। इट्स 3 years नाउ, डैमन। और इन 3 सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी अपनी सारी प्रॉब्लम का रीजन मुझे ही समझती। मेघना प्लीज, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। तुम्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा प्रणव, समझे तुम? निखिल कृतिका को अपनी बेटी की तरह चाहता है, बहुत ख्याल रखता है उसका, उसे बहुत समझाता है, लेकिन सब बेकार, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते हो कि हम एक नॉर्मल लाइफ लीड करें, कृतिका एक नॉर्मल लाइफ लीड करे। बस मेघना, कृतिका मेरी बेटी है, मेरी, और इस सच को तुम भी नहीं झुटला सकती। कृतिका इज द ओनली थिंग आई हैव। कृतिका मेरी लाइफ है। प्रणव, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, देख लेना, कृतिका निखिल को अपना फादर एक्सेप्ट कर ही लेगी, समझे तुम? थक गई हूँ, लिटरली थक गई हूँ। अब प्रणव को तो कुछ भी समझाना मुश्किल है, वो तो है ही वो अड़ियल टाइप का, और कृतिका वो तो अभी बच्ची है ना, कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। देखो मेघना, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगता ही ना, अभी तुमने ही कहा कि कृतिका छोटी बच्ची है, तो हमें उसको टाइम देना चाहिए, देखना टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। बिलीव नहीं कर
करोगे? ये थर्ड मैथ्स टीचर है और इतनी इरिटेटिंग है ना, मतलब सब अपना अपना मेथड लेकर आते हैं और पता है सब अपने अपने चलाते हैं। डैड क्या हुआ? नथिंग बेटा, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड रियली मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मैं आपको समझ नहीं पाऊँ, बताओ ना। कुछ नहीं बेटा, वो कल तुम्हारी मम्मी का फोन आया था और वो बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही थी कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ। आई नो डैड, पता नहीं मम्मी कभी कभी बहुत हाइपर हो जाती है। वैसे डैड आपको पता है मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। कुछ नहीं डैड। डोंट वरी, हाँ ट्रस्ट मी, अगर किसी ने मेरी बेबी की तरफ नजर उठा के भी देखा ना तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। माय डैडा स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा लिसन, हमारे प्लान तो बनते रहेंगे, अगर मैं कभी भी तुम्हें कॉल करूँ तो फोन उठाना जरूर, हाँ नहीं तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती। ऑफ कोर्स डैड, मैं आपकी कॉल का हमेशा आंसर करती हूँ। वेरी गुड, जस्ट लाइक ए गुड गर्ल। कृतिका, कब से तुम्हारा वेट कर रहा था मैं। आज मैंने सोचा कि हम टीवी देखते देखते पॉपकॉर्न क्यों नहीं खाएं। वो ना मेरा एग्जाम है टेस्ट के लिए तो मुझे उसके लिए पढ़ना है। अरे बस 5-10 मिनट हुए, बहुत प्यार से बनाया मैंने पॉपकॉर्न, प्लीज। तूने कुनाल की सेल्फी देखी एफबी पे? क्या माइंड ब्लोइंग थी यार। चल चल, उससे कहीं बेटर सेल्फी तो मैं ले सकता हूँ। विश्वास नहीं, खुद ही देख लो। कम क्या प्रॉब्लम है यार? अरे वो सब तू छोड़, एक काम कर, तू ये सेल्फी अपलोड कर, देखते ज्यादा लाइक्स किसको आते हैं। हाँ मेघना बोलो। अरे इतना लेट? आई मीन हाँ, अच्छा ज्यादा लेट मत करना। नहीं नहीं मैं कृतिका को बता दूंगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ अच्छा, वो 10 बजे से ज्यादा लेट मत करना। अच्छा चलो, सी यू इन द नाइट, बाय।
कृतिका तुमने कर दी। You are drunk. मम्मा आती होगी। मम्मा, मम्मा। कृतिका, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, खोल। देखता हूँ कब तक नहीं खोलती। अरे प्रणव, अंदर आओ। सॉरी यार, मैं अचानक आ गया। कृतिका फोन नहीं उठा रही थी, वो ऐसा करती नहीं है, तो मुझे उसकी चिंता होने लगी और मैं उससे मिलने चला आया। वो तो अपने रूम में ही होगी, मैं उससे मिल लेता हूँ। हाँ, ऊपर ही है। कृतिका, कृतिका, अरे कम ऑन जेम, ओपन द डोर। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? डैडा, मैंने अपने आप को बचा लिया। डैडा, मैं लड़ी। डैडा, मैं जीती। किसने किया सब? निखिल ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ भी होने नहीं दिया। डैडा, मैं जीती। डैडा, राम सारे, हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या बात बोल रहा है, पागल हो गया क्या? मेरी बेटी को तूने हाथ कैसे लगाया? मैंने कुछ नहीं किया है, बकवास क्यों कर रहा है? तो झूठ बोल रही है, मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। ऑफ कोर्स झूठ बोल रही है, पता नहीं किस किस के साथ घूमती रहती है, होगा उसका कोई दोस्त, मुझ पे इल्जाम लगा रही है। जुबान संभाल के बात कर, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। कोर्ट लेके जाऊंगा तुझे। रही बात कृतिका की, तो अभी उसका बाप जिंदा है, समझा तू? मैं इसे यहां से लेकर जा रहा हूं। चल बेटा, चल तू मेरे साथ चल। बेटा तू चिंता मत कर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
हाँ बेटा वो ब्रेक 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 नहीं लग रहा है। एक पल में बर्बाद हो गई, मेरी बच्ची वहां पड़ी है और प्रणा अब तो बचा ही नहीं। क्या हुआ था निखिल? प्रणा प्रणा इतनी तेज ड्राइव करके कहां जा रहा था? वो तो हमेशा केयरफुली कार ड्राइव करता था, मेरी एक्सीडेंट कैसे हो गया? निखिल निखिल मुझे बताओ। क्या बताऊं? क्या बताऊं कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड पागल था? ये बताऊं तुम्हें? इतनी शॉक्ड मत हो, ये तुम भी जानती हो। ये देखो, ये देखो, घर में आके हाथापाई पे उतर आया था। अरे तुम जानती हो, मैं ना समझने की कोशिश करो, वो कृतिका को लेके पॉजेसिव था, हमसे दूर ले जाना चाहता था कृतिका को। अरे तुम्हें तो देखना चाहिए था वो कृतिका को कैसे घसीट के ले जा रहा था, और ऐसे पागलपन में इंसान कैसे गाड़ी चलाता है, किस स्पीड पे चला रहा हो मुझे क्या पता। भगवान मेरी बच्ची को ठीक कर दो, मेरी बच्ची को ठीक कर। देखना हमारी बेटी ठीक हो जाएगी, भरोसा रखो। मेरी बच्ची देख देख मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ निखिल यहीं पे है, हम दोनों यहीं पे हैं। डेरा कहाँ? प्रणव की तो एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सुन बेटा, प्रणव नहीं है तो क्या हुआ? कॉल मी डैडी। देख ये तो तेरा फेवरेट सूप है ना, फ्रेश टमाटो उससे मैंने अभी बनाया है, प्लीज थोड़ा सा पी ले। कृतिका मुंह खोल, कृतिका प्लीज, कृतिका। आई डोंट नो मैं क्या करूं, सिर्फ प्रणव ही था जो तुम्हें अच्छे से अपनी बात समझा सकता था। ऐसे तो मत रो ना। मैं क्या करूं निखिल, मैं कृतिका की ऐसी हालत नहीं देख सकती। मीना समझो, वो अभी शॉक में है, और तुम्हें ऐसे रोता हुआ देखकर तुम्हें क्या लगता है वो नॉर्मल होगी? देखो एज पेरेंट्स हमें सारी वो चीजें करनी होगी ताकि सब कुछ नॉर्मल रूटीन में हो। मेरे हिसाब से तुम्हें नौकरी वापस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये क्या कह रहे हो निखिल, मेरी बेटी ना कुछ खा रही है ना पी रही है ना मुस्कुरा रही है, उसे इस हालत में छोड़ के मैं जॉब ज्वाइन कर लूं? मैं उसकी देखभाल करने के लिए हूं ना। नथिंग डूइंग निखिल, मैं कृतिका को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाती, कहीं नहीं जाऊंगी।
पियो? मेरे लिए तो अच्छा ही है कि तुम वीक रहो। उस दिन तुमने मुझे कमरे से बाहर धक्का दे दिया था ना, याद है? बड़ा दम था उस दिन तुम्हारे पास, आज तो तुम वो भी नहीं कर सकती। क्या करोगी बोल? और एक मजेदार बात बताऊं, मुझे मालूम था कि प्रणव आएगा जरूर, तो मैंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया। जब तुम बाप बेटी दिल हल्का कर रहे थे ना, तो मैंने कार के ब्रेक फेल कर, बड़ी धमकियां दे रहा था ना मुझे, गालियां पक रहा था। अब होनी को तो कोई नहीं टाल सकता ना, वहीं पर सड़क पर उसकी मौत हो गई। देखो कृतिका, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा जो दिमाग है ना बहुत तेज चलता है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो डाडा भी ऊपर चले गए, मेघना भी कभी ना कभी तो घर के बाहर जाएगी। बच्चे तुम और मैं, बस मैं कुछ तो बोलो। कृतिका, कृतिका उठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अंदर आ जाओ बच्चों। तुम्हें ना बिलीव भी नहीं होगा, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हें कितना याद करते हैं, इतने सारे फोन आते हैं तुम्हारे लिए, स्पेशली बास्केटबॉल। अब आप लोग यहीं बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। कृतिका बहुत हो गया यार, प्लीज कम ना यार। सीरियसली वी मिस यू सो मच यार, प्लीज जल्दी से आ जा। हम क्या कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए? तो जो राजा था ना वो बहुत गुस्से वाला था, अगर कोई भी गलती हो जाए किसी से तो वो उसे माफ ही नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ कि क्या रहा भाई, माँ बेटी क्या कर रहे हैं? कहानी सुना रहे। अच्छा अच्छी बात है। अच्छा ये लो, कृतिका ने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मैं इसके लिए दूध लेकर आया था। थैंक यू सो मच निखिल, तुम कृतिका का कितना ख्याल रखते हो। मुँह खोलो, देख ऐसे ही कर रही है। दो मुझे, मैं पिलाता हूँ उसको। कृतिका गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहीं जा रही हो क्या? वो एक मीटिंग 3 वीक्स पहले ही फिक्स हुई थी, रीशेड्यूल कर देनी चाहिए थी मुझे, तुम्हें बताना भी भूल गई। अब मुझे ही जाना पड़ेगा, सारी की सारी डिटेल्स मेरे पास हैं, आई कांट अवॉइड इट। चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? और कैसी प्रॉब्लम होगी, जाना है तो जाना है, मतलब आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार। तुम जाओ। ओके मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो गया। जाओ। बाय, ऑल द बेस्ट।
अब भूल क्या करेगी? हाँ बोला, बहुत घमंड था ना तेरे को अपने आप पे। तुझे क्या लगता था तेरी माँ इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी? हाँ देख, उस दिन भी अगर तू मान जाती ना तो तेरे बाप को नहीं मारना पाता। अब तुझे कौन बचाएगा? ये देखो उसको क्या हो गया? मैं यहाँ बैठ के टीवी देख रहा था और ये मेरे साथ क्या कर रही है? मेरे पे आके ऐसे जा, देखो उसने क्या किया मेरे साथ, देखो। नहीं माँ, माँ ये झूठ बोल रहा है, मम्मा ये बहुत झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया माँ, मैं आपको ना बहुत पहले से ही बताने वाली थी। क्या बोल, क्या 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 बोल रही हो? किसको फोन कर रही है? पुलिस को फोन कर रही है। बॉल को कंट्रोल करो, दूसरे को चांस मत दो। हाँ चलो, मैं थक गई हूँ। कोई थकावट नहीं, गेम को लास्ट तक खेलो। हाँ प्रतिका, फोकस करो, फोकस। अकेले इतना सब कुछ सहती रही? यार मुझे तो सुनने में इतना हॉरिबल लग रहा है, बट आई कैन नेवर इमेजिन यार। श्रेतिका, पर अब हम ऐसे इंसान से लड़ेंगे कैसे यार? हाँ श्रेतिका, ऋषभ ठीक बोल रहा है, पर अब हम करेंगे क्या? मैं लड़ूंगी। ए, कहाँ जा सकती है तेरी बेटी? कहाँ? पुलिस स्टेशन? नहीं, पुलिस स्टेशन वो किसी को क्या बताएगी? और कोई इसका क्या विश्वास करेगा? हेलो, कृतिका बोल रही हूँ। कृतिका, कहाँ हो तुम? घबराओ मत, पुलिस स्टेशन नहीं गई हूँ। क्या चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम में कितनी हिम्मत है। मुझ में तो बहुत हिम्मत है, तुम ही मुझसे भाग रही हो।
मैंने इरादा बदल दिया है, मैं और भागना नहीं चाहती। देखो साफ साफ बोलो क्या बोलना चाहते हो। निखिल I want to be with you. Are you serious? I mean, यकीन नहीं हो रहा मुझे। तो फिर यकीन कर लो, मैं अब समझ गई हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो? अगर तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत है ना तो मुझे यहाँ से ले जाओ। कहाँ आना है मुझे बोलो, 10 मिनट में आता हूँ मैं, 10 मिनट में। ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ आ रहा हूँ। ये ले, तूने मंगवाया था ना। कृतिका ये कोर्ट में क्यों बुलाया? अच्छा शायद तुझे ये रोमांटिक लगता होगा। क्यों अब तू तेरे माँ बाप भी नहीं रहे। मैच खेल। क्या? अगर मुझे पाना है तो मैच जीत के दिखा। कृतिका ये सब नाटक किसके लिए? इससे आसान क्या होगा? क्यों डर लग रहा है? चल चल। चल ना ये तमाशा बंद कर, चल घर चल। रूल नंबर 1 फोकस। चल आजा आजा। ये क्या मजाक है? अब चल ना, पहले मैच तो पूरा कर ले। अरे चल आजा, पकड़ पकड़। चल अब चल, अब घर चलते हैं। तो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। चल खेल तो अब शुरू हुआ है। बाप ही अपने बच्चों के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। बच्चों को अपने माँ बाप पर पूरा यकीन होना चाहिए, उनके दिल में इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई उनका साथ दे या ना दे, उनके माँ बाप उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे और उनका साथ जरूर देंगे। कृतिका एक बहुत ही बहादुर लड़की थी जिसने अकेले अपने दम पर मुजरिम को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। पर एक बच्ची में आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से? ये हिम्मत कृतिका को अपने पिता के सिखाए हुए उसूलों से ही मिली, निडर होने की, लड़ते रहने की। निखिल को आईपीसी के सेक्शन 302 के अंतर्गत मर्डर के लिए, सेक्शन 307 के अंतर्गत अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए और सेक्शन 375 के अंतर्गत शारीरिक शोषण के लिए आजीवन कारावास की सजा हुई। अब सब पेरेंट्स से मेरी एक विनती है, अपने बच्चों की दुनिया को समझें, उनसे दोस्ती करें, जनरेशन गैप को कम करें, उनके लगाव उनकी आदतों को जानें, उनके आसपास के लोगों को उनके माहौल को समझें, ताकि भविष्य में जो कृतिका के साथ हुआ वो कभी किसी बच्चे के साथ ना हो। आइए मिलकर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। जब हम मिलकर अपने घर को सुरक्षित बना लेंगे, सावधान हो जाएंगे, तो हमारा ये देश भी सुरक्षित हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है, फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, Fight back now!